हेलो गाइस, नेविगेट इंस्टीट्यूट्स की वीडियो लेक्चर सीरीज़ में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी एई 2020 का डिटेल्ड एनालिसिस फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। मेरा नाम है राहुल राज खरे, तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि एमपीपीएससी ने 2020 में होने वाले अपने एग्जाम का कैलेंडर हाल ही में लॉन्च कर दिया है और इसी कैलेंडर में बहुत ही समय से इंतजार किए जा रहे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के एग्जाम की डेट भी शेड्यूल की गई है। ये एग्जाम हम इंजीनियर्स को एक प्रशासनिक अधिकारी बनने का बहुत ही अच्छा अवसर प्रदान करता है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए कौन कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे आने वाली हैं और अपनी तैयारी को उन्हें किस तरह से करना चाहिए ताकि वो एक ही बार में एक 100% सक्सेसफुल रिजल्ट ऑब्टेन यहाँ पर कर सकें। जो पॉइंट्स इस वीडियो में कवर किए जाएंगे वो होंगे कि किस किस डिपार्टमेंट में आपको वैकेंसीज आने के चांसेस हैं, नंबर ऑफ एक्सपेक्टेड पोस्ट क्या रहेगा, एग्जाम की स्कीम क्या होगी, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, डिटेल्ड सिलेबस एनालिसिस, किस सब्जेक्ट से एग्जाम में आप कितने नंबर के क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ आपकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए कुछ स्टैंडर्ड बुक सजेशन भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि किस डिपार्टमेंट में मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए वैकेंसीज आने के चांसेस हैं। तो दोस्तों, एमपीपीएससी ने अपने परीक्षा योजना में बताया हुआ है कि मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए बॉयलर ग्रेड 1, बॉयलर ग्रेड 2, डीएसपी इन मोटर ट्रांसपोर्ट, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट और रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में वैकेंसीज आने के चांसेस यहां पर हैं। तो कितने नंबर ऑफ पोस्ट आएंगे, जैसा कि हमें पता है कि लास्ट टाइम ये एग्जाम 2017 में हुआ था जिसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए सिर्फ टोटल 2 पोस्ट ही इसमें आई थी। 2018 और 2019 में ये एग्ज़ाम नहीं हुआ है और 2020 में अब ये एग्ज़ाम फिर से होने वाला है। यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स भी बढ़ा दिए गए हैं, तो आप टोटल 30-35 पोस्ट इस एग्ज़ाम में मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होगा और उसकी स्कीम क्या होगी। दोस्तों, अभी एमपीपीएससी ने स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस के एग्ज़ाम पैटर्न को चेंज कर दिया है। अब ये एग्ज़ाम 2 पार्ट में होगा। पहला जो आपका पार्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बेस्ड होगा और दूसरा जो आपका पार्ट होगा वो आपका पर्सनल इंटरव्यू होगा। पहले पार्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला जो पेपर होगा उसमें आपको 2 सेक्शंस में क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। पहला सेक्शन जो होगा वो टेक्निकल होगा और दूसरा सेक्शन नॉन टेक्निकल होगा। टेक्निकल सेक्शन में आपको 100 क्वेश्चंस आएंगे और नॉन टेक्निकल सेक्शन में आपको 50 क्वेश्चंस आएंगे। तो इस एग्ज़ाम की मार्किंग स्कीम किस तरह से रहेगी, आपको हर सही जवाब के लिए 3 नंबर यहां पर दिए जाएंगे और हर गलत जवाब के लिए 1/3 मार्क, यानी कि हर 3 गलत जवाब के लिए आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, पहली बार एमपीपीएससी ने अपने स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज में नेगेटिव मार्किंग को अप्लाई किया हुआ है। इसी के साथ साथ ये जो दोनों सेक्शन होंगे, टेक्निकल और नॉन टेक्निकल, ये क्वालिफाइंग नेचर के होंगे, यानी कि आपको दोनों ही सेक्शन में इंडिविजुअली 40% मार्क्स ऑब्टेन करना कंपलसरी रहेगा। यह टोटल मिला के 450 मार्क्स से आपकी जो मेरिट बनेगी उस मेरिट के बेस पर वैकेंसीज के आधार पर 3 गुना स्टूडेंट्स पर्सनल इंटरव्यू के लिए बुलाए जाएंगे और पर्सनल इंटरव्यू का जो टोटल स्कोर रहेगा वो आउट ऑफ 50 मार्क्स में से किया जाएगा। फिर 500 नंबर में से टोटल मार्किंग की जाएगी और फाइनल मेरिट लिस्ट सिलेक्शन के बेस पर आपको बनाई जाएगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इस एग्ज़ाम में सिलेबस क्या रहने वाला है। तो सिलेबस 2 पार्ट में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्निकल सिलेबस की। टेक्निकल सिलेबस में जो पहला आपका सब्जेक्ट रहेगा दोस्तों वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या मैकेनिक्स ऑफ मटेरियल, इसे हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के नाम से भी जानते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है दोस्तों और इससे आपको बहुत अच्छे नंबर ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। आपका दूसरा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन्स, इसमें वाइब्रेशंस, गवर्नर्स, इस तरह के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाएंगे। इसके बाद में डिज़ाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स, जिसमें आपको शाफ्ट डिज़ाइन, वेल्ड डिज़ाइन, रिवेट जॉइंट डिज़ाइन, इन सब के क्वेश्चन देखने के लिए मिल जाते हैं। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है। इसमें आपको मेटल कटिंग टेक्निक्स, मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स, लैथ, शेपिंग, ग्राइंडिंग, इस तरह की मशीनिंग टेक्निक्स के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस, साथ ही साथ नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्चार्ज मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इनके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। प्रोडक्शन मैनेजमेंट आपका अगला सब्जेक्ट रहेगा, जिसमें आपको इन्वेंट्री कंट्रोल, सिंप्लेक्स मेथड एनालिसिस, लीनियर प्रोग्रामिंग, फोरकास्टिंग और सीक्वेंसिंग, इसके क्वेश्चन देखने के लिए आते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, ये भी एक बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है दोस्तों। इसके साथ ही साथ थर्मोडायनेमिक्स से रेफ्रिजरेशन, हीट ट्रांसफ़र
और पावर प्लांट के क्वेश्चन भी डिराइव होते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ तो बहुत इंपॉर्टेंट ही है, इसके साथ ही साथ एंट्रोपी, अवेलेबल एनर्जी और अनअवेलेबल एनर्जी के क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों तो हीट ट्रांसफर, यहाँ पर कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, साथ ही साथ ही शेप फैक्टर और हीट एक्सचेंजर के क्वेश्चन भी आपको इस एग्जाम में आएंगे। एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम से अगर मैं बात करूं तो आईसी इंजन, टर्बाइन और पंप से इसमें क्वेश्चन बनते हैं। कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग में आपको बेसिक नॉलेज ऑफ सीएनसी मशीनिंग, बेसिक नॉलेज ऑफ कोड एंड प्रोग्रामिंग, इसके क्वेश्चन यहां पर आपको दिए जाएंगे। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि आपको किस सब्जेक्ट से कितने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आप यहां पर मान सकते हैं। तो पिछले एग्जाम के एनालिसिस देखते हुए आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स या स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 10 से 12 क्वेश्चन, थ्योरी ऑफ मशीन से 8 से 10 क्वेश्चंस, डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट से 5 से 7 क्वेश्चन, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से 12 से 16 क्वेश्चन, प्रोडक्शन मैनेजमेंट से 5 से 8 क्वेश्चन, थर्मोडायनेमिक्स से 10 से 12 क्वेश्चन, फ्लूइड मैकेनिक्स से 15 से 18 क्वेश्चन और हीट ट्रांसफर रेफ्रिजरेशन से आपको 5 से 8 क्वेश्चन, एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम से 8 से 10 क्वेश्चन और कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग से आपको 8 से 12 क्वेश्चन एक्सपेक्ट आप यहां पर इस एग्जाम में कर सकते हैं। दूसरा सेक्शन जो दोस्तों आपका रहेगा वो आपका नॉन टेक का रहेगा। इसमें एमपीपीएससी ने अपनी स्कीम बताई हुई है, इसके बेस पर मध्य प्रदेश एमपीजीके से 35 क्वेश्चंस, करंट अफेयर्स और वर्ल्ड अफेयर्स से 10 क्वेश्चन और इन्फॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से 5 क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे। जो एमपीपीएससी में एमपीजीके का जो सेक्शन का सिलेबस रहेगा वो मध्य प्रदेश का ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और उसकी पॉलिसीज रहेंगी। इसके बेस पर इसमें 35 क्वेश्चन में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। नेशनल और करंट, नेशनल इंटरनेशनल में करंट अफेयर पूछा जाएगा और कंप्यूटर और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 5 क्वेश्चंस भी यहां पर पूछे जाएंगे। तो अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि आपको अपनी तैयारी करने के लिए कौन कौन सी बुक्स प्रेफर करनी चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा यहां पर कि आप प्रीवियस ईयर इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम, जिसे हम इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस IES के नाम से भी जानते हैं, तो इसके आप प्रीवियस ईयर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगाएं, कम से कम 5 साल के क्वेश्चन आप यहाँ पे लगाएं। इससे क्या होगा दोस्तों, इससे आपका एक बेस स्ट्रांग होगा और आपको कंसेप्ट पे एक अच्छा कमांड आप डेवलप कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको थ्योरी क्वेश्चंस में ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करनी है तो आरके जैन एक बुक अवेलेबल होती है मार्केट में, इससे भी आप क्वेश्चंस लगा सकते हैं। नॉन टेक एग्जाम की तैयारी करने के लिए बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल एमपीजीके पढ़ने के लिए आप अरिहंत की बुक खरीद सकते हैं या फिर हिंदी ग्रंथ अकेडमी की बुक खरीद सकते हैं। अगर आपको करंट अफेयर की तैयारी करनी है तो परीक्षा दर्पण, परीक्षा योजना, घटना चक, स्पेक्ट्रम, स्पीडी, इस तरह की काफ़ी सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। इसी के साथ साथ करंट अफेयर्स को आप ऑनलाइन भी तैयार कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू या यूट्यूब पर कोई एक अच्छा चैनल जो करंट अफेयर्स का डेटा देता है उसको फॉलो करके आप इसे पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर अवेयरनेस के लिए अरिहंत और लूसेंट की कंप्यूटर अवेयरनेस नाम से बुक मार्केट में आती है, इसे आप पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही साथ इंटरनेट एक बहुत ही अच्छा सोर्स है दोस्तों आपकी तैयारी को और अच्छा करने के लिए। आप और भी वीडियो लेक्चर्स जानने के लिए या देखने के लिए हमारे चैनल पर हमारे साथ जुड़े रहें तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू और आपके एग्जाम्स के लिए ऑल द बेस्ट।